आज हम सेंटेंस डिटेक्शन का पार्ट करने जा रहे हैं। ये रेन मार्टिन की बुक से मैंने एक्सरसाइज उठाई है और बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर और सीएसएस अपकमिंग एग्जाम के अंदर। हमने स्टेटमेंट को देखना है पहले। वर्ड्स ज्वाइंड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर, मैं प्लुरल की बात नहीं कर रहा, सब्जेक्ट बाय विथ एज वेल एज। तो जब भी आपको विथ के बाद या एज वेल एज के साथ जो है कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स नजर आए, तो आपने ये नहीं समझना है कि ये प्लूरल है तो फिर जो है वर्ब प्लूरल आएगा। द वर्ब शुड देयरफॉर बी सिंगुलर। तो वर्ब जो है वो आपका सिंगुलर होना चाहिए। तो मैंने सेंटेंस बनाया नीचे। पहला सेंटेंस है द हाउस, फिर कामा डाल के मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल दी है विथ इट्स कंटेंट्स। तो आपने कंटेंट्स देख के ये नहीं बताना है कि इसमें वर लगेगा। तो यहां पर स्टेटमेंट के अंदर पूरा लिखा हुआ है कि विथ के साथ या एज वेल एज के साथ अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है और कामा के अंदर बंद है, समझ लीजिएगा कि ये अब वर्ब के ऊपर कोई असरअंदाज नहीं होने वाला। तो पहला वर्ब जो है वो सब्जेक्ट जो है द हाउस, उसके मुताबिक आपने वर्ब इस्तेमाल करना है। अगर द हाउसेज होता तो फिर वर लगाते, लेकिन सिंगुलर है द हाउस तो इसलिए हमने प्लूरल नहीं इस्तेमाल करना, सिंगुलर इस्तेमाल करना है। तो वाज इंश्योर्ड, तो वाज होगा और वर गलत है। उसके बाद नंबर टू, द मेयर विथ हिज काउंसलर्स। तो अब ये नहीं समझना है कि काउंसलर्स जो है प्लूरल है, हमने वर इस्तेमाल करना है तो आपने वाज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि विथ के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कनेक्टेड है दो कामास के बीच में, तो वर बिजी नहीं होगा, वाज होना चाहिए। नंबर थ्री, द शिप विथ इट्स क्रू। अब क्रू क्या है? वो जो बहरी जहाज होते हैं उसके अंदर ये जो फौजी सोल्जर्स बैठे होते हैं, हम जो जहाजरान होते हैं, सेलर्स होते हैं, इनको क्रू बोलते हैं। तो द शिप ये सिंगुलर है, विथ इट्स क्रू, वर नहीं होगा, वाज होना चाहिए, वाज लॉस्ट। सिल्वर एज वेल एज कॉटन। तो अब ये आपने नहीं समझना है कि सिल्वर भी है और कॉटन भी है तो हमने हैव लगाना है, नहीं, सिल्वर एज वेल एज साथ मिला हुआ है तो एज वेल एज को हम कंसिडर नहीं करना है, हमने हैज फॉलन इन प्राइस इज राइट। संस्कृत एज वेल एज सिंधी, वाज होना चाहिए, वर नहीं होगा, टॉट देयर। द गाइडेंस एज वेल एज लव ऑफ मदर। तो आपने ये नहीं समझना है कि एज वेल एज लगा हुआ है तो फिर हमने आर का इस्तेमाल करना, नहीं, इज राइट ऑप्शन। हाँ, उसके बाद अगर पहले सब्जेक्ट प्लूरल होता तो फिर हम चेंज कर सकते थे, लेकिन जब भी स्टेटमेंट इस तरह किया जाए तो आपने ये जरूर ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शेट क्लिप।